हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप हेल्दी होंगे, स्ट्रांग होंगे और एकदम खुश होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं हाई ब्लड प्रेशर को खत्म करने के बारे में। आप लोग घर की चीजों को ही अपनाकर अपने हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से 7 दिन के अंदर छुटकारा पा सकते हैं। तो आप लोगों को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। घर की छोटी छोटी चीजें, घर के घरेलू उपाय अपनाकर ही आप लोग हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी एक ऐसी बीमारी है, अगर ये हो जाए किसी व्यक्ति को तो आप लोगों को किडनी फेल, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक और भी कई तरह की बीमारियां होने का खतरा हो जाता है। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इलायची। इलायची एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को घर में बहुत आसानी से मिल जाएगी, या फिर आप लोग मार्केट में भी ले सकते हैं, ज्यादा महंगी नहीं आती है। अगर आप लोग हर रोज 2 इलायची का सेवन करते हैं, या फिर आप लोग अपने खाने में, चाय में, या फिर कच्ची भी इलायची को खा सकते हैं। अगर आप लोग 2 इलायची का भी सेवन कर लेते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप लोग 7 दिन के अंदर अपनी ब्लड प्रेशर की जो समस्या है उससे छुटकारा पा लेंगे। क्योंकि जो इलायची होती है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को, ब्लड के बहाव को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करती है, रेगुलर करती है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर खत्म हो जाता है, मुंह से आने वाली बदबू भी खत्म हो जाती है और भी कई तरह की जो समस्याएं हैं वो भी खत्म होने लगती है। नंबर 2, अलसी के बीज। आप लोगों ने अलसी के बारे में हर बार किसी न किसी समस्या को खत्म करने के लिए जरूर सुना होगा। हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी अलसी के बीज बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड तो पाए जाते हैं, साथ में कुछ ऐसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो ब्लड प्रेशर को खत्म करने में एक अहम किरदार निभाते हैं। आप लोग अलसी के बीज को या अलसी के पाउडर को किसी न किसी तरीके से उसका सेवन जरूर करें, या आप लोग खाने में अपने आटे में मिला सकते हैं, सब्जी में मिला सकते हैं, या फिर आप लोग अलसी के बीज को ऐसे भी खा सकते हैं। मैंने अलसी के बीज के ऊपर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी देख लेना, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से छुटकारा पाने के लिए अलसी के बीज रामबाण की तरह काम करने वाले हैं। नंबर 3, अजवाइन का सेवन। अजवाइन भी आपके ब्लड प्रेशर को ठीक करने में बहुत ही अहम किरदार निभाता है, क्योंकि अजवाइन के अंदर थाइमोल तत्व पाया जाता है। थाइमोल तत्व आपके ब्लड वेसल को एकदम मेंटेन करता है, हार्ट की ब्लॉकेज को दूर करता है और जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन है उसे मेंटेन करता है, रेगुलर करता है। इसलिए आपको जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वो नहीं हो पाती है और आप लोग हेल्दी रहते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में रामबाण का काम तो करता ही है, साथ में कई ऐसी बीमारियों से भी आपको छुटकारा दिला देगा जो आप लोगों ने सोची भी नहीं होंगी। इसलिए अपने खाने में आप लोग अजवाइन का सेवन किसी न किसी तरह से जरूर करें। नंबर 4, लेवेंडर का सेवन। लेवेंडर भी आपकी सेहत के लिए और आपके हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए बहुत ही अहम और बेहतरीन किरदार निभाता है। लेवेंडर आपकी जो हार्ट की धमनियां होती हैं उन्हें सिकुड़ने से रोकता है, उनके जो अंदर रक्त बहता है उनको एकदम मेंटेन करता है, ब्लड वेसल्स के जो ब्लॉकेज होते हैं उन्हें खत्म कर देता है। यानी कि कुल मिलाकर आप लोग कह सकते हैं कि ये आपके हार्ट के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को टेंशन, तनाव, एंजाइटी या जो भी आप लोग अपनी भाषा में कहना चाहते हैं और कह सकते हैं, इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाने का काम करता है। तो आप लोग लेवेंडर से बनी हुई चाय का भी सेवन कर सकते हैं, यह आपके हार्ट ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। नंबर 5, ग्रीन टी का सेवन। ग्रीन टी आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में एक अहम किरदार निभाती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो ब्लड प्रेशर को तो कंट्रोल करती हैं, साथ में आपके कई तरह की बीमारियों में भी बहुत ज्यादा बेहतरीन होती हैं और उन्हें खत्म करने का काम करती हैं। इसलिए अगर आप लोगों को हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या है तो आप लोग ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी हेजिटेशन के। आप लोग ग्रीन टी पिएंगे तो आपका वेट भी कम होगा और आप लोग हेल्दी भी रहेंगे। नंबर 6, अजमोद का सेवन। अजमोद भी आपकी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में एक अहम किरदार निभाता है, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं, साथ ही आपकी कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो और पेट से संबंधित समस्या हो और भी कई तरह की समस्या में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आपका ब्लड फ्लो को एकदम अच्छी तरह से कंट्रोल करता है, अगर आपका ब्लड फ्लो कम है या ज़्यादा है उसे मेंटेन करेगा, रेगुलर करेगा, जिसकी वजह से आप लोगों को ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं नहीं होंगी। इसलिए आप लोग अजमोद का भी सेवन करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थे वो 6 तरीके जिन्हें अपनाकर आप लोग अपने हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। इनमें ज्यादा खर्चा नहीं होगा और ब्लड प्रेशर की समस्या से छुटकारा
मिल पाएंगे। आपको क्या लगता है कि मैंने आपको सही इन्फॉर्मेशन दी है तो कमेंट में ज़रूर बता देना। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, मैंने आपको सही नॉलेज दी है यार, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ये लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना और यार वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें, हमें सपोर्ट करें। जितना सपोर्ट करेंगे आपके लिए भी फ़ायदा होगा, मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो ला कर दूंगा जो आप लोगों ने सोची होंगी। यार ऐसा तो है ही नहीं कि आपने सोची नहीं और मैंने बना दी। प्लीज़ ये भी बता देना आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उसके लिए फुल डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।